देश के किसान भाई बागवानी फसलों की खेती के लिए संरक्षित खेती का उपयोग कर रहे हैं। आज के युवा किसान पॉली हाउस और ग्रीन हाउस का संरक्षित ढांचा बनाकर फल और सब्जियां उगा रहे हैं। इस तरह ऑफ सीजन सब्जियों के लिए लो टनल का इस्तेमाल काफी लोकप्रिय हो रहा है। ऐसे में चलिए इस वीडियो के माध्यम से लो टनल टेक्नोलॉजी के फायदे के बारे में जानते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मनुष्यों ने सीखा कि फसल में अधिकतम उपज तभी मिलेगी जब फसलें विभिन्न मौसमों में अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाएं। किसान भाई सब्जियां विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लवण और प्रोटीन की बहुत अच्छी स्रोत होती हैं। साल भर घरेलू और निर्यात बाजारों में ताज़ा सब्जियों की उच्च मांग, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, तेजी से बदलती मध्य वर्गीय परिवारों की आहार प्रणाली और उपलब्ध डब्बा बंद सब्जियों के कारण बढ़ रही है। परंतु सीजन में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों की वजह से सब्जियों की उत्पादन में कमी आ जाती है और बेमौसम में महंगी हो जाती हैं। आज के मॉडर्न किसान ग्रीन हाउस, लो और हाई पॉली टनल तकनीक की शुरुआत के साथ सब्जियों की खेती ऑफ सीजन में भी कर रहे हैं, जिसमें सब्जियों के विकास के लिए तापमान और नमी को कंट्रोल किया जाता है। साल भर सब्जियों का उत्पादन करने वाले उत्पादक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग कर सामान्य कृषि फसलों की तुलना में सब्जी उगाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। लो टनल छोटी संरचनाएं हैं जो ग्रीन हाउस जैसा प्रभाव पैदा करती हैं, जो ऊंचाई वाले सुरंगों यानी टनल्स के आकार वाली छत को ढकने के लिए किसान भाई प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टील की छड़ों से बनी होती हैं। ये टनल कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण गतिविधि में वृद्धि होती है और फसल की उपज बढ़ जाती है। ये संरचनाएं पौधों को तेज हवाओं, बारिश, ठंड और बर्फ से भी बचाती हैं। साथ ही सस्ती होने की वजह से इनको बनाना और अलग करना आसान होता है। लो टनल का उपयोग किसान भाई उच्च गुणवत्ता वाली महंगी नर्सरी तैयार करने के लिए करते हैं। इस तकनीक का प्रयोग टमाटर, खीरा, चेरी टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, अजवाइन के पत्ते की खेती के लिए कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस तकनीक का उपयोग कर किसान भाई बाजार में अपने उत्पादन को जल्दी लाकर अच्छा भाव मिलने से अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह की तकनीक का एक और फायदा ये है कि लो टनल्स को आसानी से हटाया जा सकता है और फिर इसका अगले साल इस्तेमाल भी किया जा सकता है। किसान भाई लो टनल्स का उपयोग गर्म जलवायु को संरक्षित करने, अंकुरण को उत्तेजित करने और पौधों को शुरुआती वृद्धि में उसे उच्च तापमान, कम तापमान और अत्यधिक वर्षा जैसी प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से फसल को नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार भी करती है। वहीं अन्य लाभकारी प्रभावों में मिट्टी की बनावट को बनाए रखना और फसलों को पक्षियों और कीटों के हमलों से बचाना भी मदद करती है। ये देखा गया है कि टनल्स के बिना खुले खेत में उगाए गए नर्सरी की तुलना में लो टनल में उगाए गए नर्सरी का पौध स्थानांतरण करने पर अच्छी वृद्धि होती है व बिना टनल खुले खेत में उगाने वाले पौधों की तुलना में लो टनल में उगाए गए पौधों के तने की मोटाई ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, खुले खेत की नर्सरी में उगने वाले पौधों की तुलना में लो टनल टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए पौधों में पहली तुड़ाई या कटाई 5 से 7 दिन पहले होती है। उत्तरी क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में टमाटर, शिमला मिर्च और गोभी की फसलों की नर्सरी को नवंबर से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भारी तापमान कम होने की वजह से खुले खेत में उगाना संभव नहीं है, तब लो टनल के नीचे उगाया जाता है तो किसान भाइयों को अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि उपज बाजार में जल्दी आ जाती है और किसान को उस उपज का अच्छा दाम भी मिल जाता है। उत्तरी क्षेत्रों में किसान भाई ठंडे मौसम वाली फसलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक ठंडे तापमान के खिलाफ फसल को एक और सुरक्षा परत के रूप में हाई टनल्स के अंदर लो टनल्स का उपयोग करते हैं। लो टनल्स के नीचे उगाई जाने वाली पत्तेदार सब्जियों का विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए रोपाई और कटाई के बीच का समय कम हो जाता है और ज्यादा जल्दी तैयार हो जाती हैं। शुरुआती कटाई के अलावा कटाई के समय को कम करने से मौसम के अंदर अतिरिक्त फसल को लेने और फसल चक्रों की अनुमति मिलती है, जिससे फसल से लाभ
और भूमि उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। लोड टनल पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के तहत बाजारों में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर सब्जी उत्पादकों को अच्छा मुनाफा दे रही हैं। लोड टनल तकनीक से सब्जी उगाने के कई फायदे हैं। सब्जियों की अच्छी बढ़वार होने से कटाई जल्दी होने के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है। मिट्टी की गर्मी को बनाए रखना, पौधों को हवा और पाले से बचाना और आखिर में किसानों के लाभ में वृद्धि करना। उपरोक्त लाभ लोड टनल टेक्नोलॉजी से सब्जी उगाने के लिए किसानों को नर्सरी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लोड टनल के मुख्य लाभ निम्न हैं। बढ़िया मुनाफा पाने के लिए मौसम की परवाह किए बिना किसान भाई अगेती और पछेती सब्जियों का उत्पादन साल भर कर सकते हैं। लोड टनल का उपयोग स्वस्थ और जल्दी नर्सरी उगाने के लिए किया जाता है। लोड टनल बारिश, हवा, पाले, कीटों और बीमारियों से महंगी फसलों की सुरक्षा करता है। इतना ही नहीं, लोड टनल से पौधों में पोषक तत्वों को ग्रहण करने के साथ प्रकाश संश्लेषण की गतिविधि भी बढ़ती है। लोड टनल विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करके उच्च गुणवत्ता और स्वच्छ उत्पादों के उत्पादन लेने के लिए समर्थन भी करती है। ये सब्जियों की खेती को उन क्षेत्रों में भी संभव बनाती है जहां खुले मौसम में खेती नहीं कर सकते, जैसे ऊंचे स्थानों, पहाड़ों आदि पर। ये अच्छे लाभ अवसरों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाली उपज उत्पन्न करती है। ब्रोकली, पत्ता गोभी, जड़ वाली फसलें, गाजर, टमाटर, फूल गोभी, आलू, जड़ी बूटियां, झाड़ियां और फूल और पत्तेदार सब्जियों की बेमौसम खेती कम लागत के तहत मध्य और ऊंचे पहाड़ों की स्थितियों में भी प्लास्टिक सुरंगों, वर्षा आश्रयों की सहायता से किसान भाई सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं और बेहतर लाभ पाने के लिए मौसम की परवाह किए बिना सब्जियों का उत्पादन साल भर किया जा सकता है। लोड टनल्स अस्थायी संरचना होती हैं जो करीब 4 फीट लंबी और 3 से 6 फीट चौड़ी होती हैं। इसमें 9 गेज का तार या पाइप से बने छल्ले का उपयोग होता है व फसल लाइनों को ढकने के लिए स्पून बॉन्ड कपड़े या पॉलिथीन प्लास्टिक शीट का उपयोग कर फसलों के ऊपर मिनी ग्रीन हाउस बनाया जाता है। इस तकनीक को प्लास्टिक टनल तकनीक के रूप में भी जाना जाता है, जो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस जैसा प्रभाव देने वाली छोटी संरचना होती है जो बेमौसम सब्जियों की खेती के लिए उपयोगी होती है। किसान भाइयों, सब्जियों में लो टनल टेक्नोलॉजी के फायदे की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथी किसान भाइयों से साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और रिंग बेल दबाना ना भूलें।